हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य की प्रतिदिन आराधना करने से काफ़ी फल की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत सारे सूर्य से जुड़े ऐसे नियम हैं जिनको करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और खुशहाल जीवन नष्ट होने लगता है। जाने अनजाने में हम तुलसी बहुत बार शाम को तोड़ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में इसका उल्लेख है शाम पड़े तुलसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ में शाम पड़े दान के रूप में किसी भी इंसान को दही से बनी हुई चीज़ या दही नहीं देना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। और बहुत से लोगों की आदत रहती है शाम पड़े सोने की, सूर्यास्त के बाद में सोना या फिर खाना खाना वर्जित माना गया है, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। शाम पड़े झाड़ू निकालना, बालों को सूर्यास्त के बाद में कटवाना या फिर नाखून को सूर्यास्त के बाद में काटना, इससे दोष लगता है। आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से कि वो कौन से नियम है जो सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी सूर्य नारायण नाराज होते हैं, वह चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको रात में दही एवं कोई सी भी खट्टी चीज़ हल्दी इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और लक्ष्मी जी घर से जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य अस्त के समय पर आपको शाम को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप सूर्य अस्त के समय सोते हैं तो आपके घर में दुख और दारिद्रता का वास होता है, क्योंकि इसी समय पर जब चारों पार्ट मिलते हैं, जब आपको सोने से सभी देवता अपने अपने घर को आते हैं, तो इसलिए आपको सोना नहीं चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में भी अशुभ माना गया है। तीसरी चीज़ ये है कि सूर्य अस्त के बाद तुलसी के वृक्ष में ना तो जल चढ़ाएं और ना ही तुलसी के वृक्ष को हाथ लगाएं, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें, क्योंकि इससे तुलसी माता नाराज होती है, क्योंकि साक्षात तुलसी को विष्णु स्वरूप भी माना गया है, इसलिए आप इन चीज़ों से इसका प्रयोग ना करें। सूर्य अस्त के बाद कभी भी कपड़े नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यदि कपड़े धोते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। रात्रि के समय बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बाल और नाखून काटने से आपके ऊपर दुख और दारिद्रता का वास होता है, इसलिए आप रात्रि के सूर्य अस्त के बाद बाल एवं नाखून न काटें।